नमस्कार, जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महापर्व छठ के अंतिम दिन लाखों व्रतियों ने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जल व्रत का पारायण किया। पीएम मोदी ने भारत के कोविड-19 टीका संबंधी रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में टीके के विकास की प्रगति, नियामक मंजूरियों और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही टीके को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के तरीके पर रणनीति बनाई गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि सरकार किसी भी बाजार को बंद नहीं करना चाहती। इस दौरान सीएम की अपील पर व्यापारियों ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। वो इस दौरान चेन्नई में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह के इस दौरे को तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। विश्व की प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना रखी गई है। पीएम मोदी आज गुजरात के गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 45 मेगावाट की क्षमता वाले एक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और जल तकनीक के एक केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने मेरठ से प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को जून 2021 तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करने को कहा है। राजनगरी आगरा एक बार फिर देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई सूची में आगरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 रहा। देश में आगरा 10वां और यूपी 6वां सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार वहा भैया जी जोशी आज प्रयागराज के प्रवास पर जाएंगे। दोनों नेता सोमवार तक यहां रहेंगे और 2 दिन की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ किया है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें और निर्देशों का पालन करें। सीएम शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। कोरोना महामारी के बीच यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के स्टेशनों पर जल्द ही यात्रियों को डिस्पोजेबल चादर, तकिया और कंबल मिलेंगे। इसके लिए स्टेशनों पर डिस्पोजेबल लिनिन कियोस्क भी लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानूनों का विरोध पंजाब में थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई जगहों पर किसानों ने रेल की पटरियों पर डेरा डाल रखा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे को अभी तक 2,220 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। भारत किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर जो सहमति बनेगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे। भारत जापान के बीच उच्च स्तरीय साझेदारियों को वर्ष 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया पुरस्कार दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि OECD ने इस पुरस्कार की घोषणा की। ये पुरस्कार कानूनी समझौतों को लेकर भारत जापान के बीच हुए करारों के लिए दिया गया। देश के कई राज्यों में कोरोना के बेकाबू हालातों पर कुछ दवा कंपनियों ने आपात स्थिति में कोरोना के टीके का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। दवा कंपनियों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना जरूरी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,32,726 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 46,232 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 564 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 118 लोगों की जान चली गई है, जबकि कोरोना के 6,608 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 5,17,000 से अधिक हो गई है। वहीं अभी तक 8,159 लोगों ने जान गंवाई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। मास्क के साथ सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पान, गुटखा खाने वालों पर भी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,78,00,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि अभी तक 13,76,000 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 4,03,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,64,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को कोरोना हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी।
इससे पहले ट्रंप के छोटे बेटे बैरन को भी कोरोना हो गया था। इसका जिक्र ट्रंप ने एक रैली में किया था। श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के कार्य घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है। अभी कार्य दिवस अधिकतम 8 घंटे का है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इससे श्रमिकों को ओवरटाइम भत्ता के माध्यम से अधिक कमाई करने की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने 13 जिलों में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार एजेंसी को 15 दिसंबर से पहले काम शुरू करना होगा, साथ ही काम शुरू नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि उनके सरकारी नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद ही रिसीव करनी होगी। सीएम ने कहा है कि इसकी औचक जांच के लिए दोनों अधिकारियों को कभी भी कॉल की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। इस दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता को बेहतर और 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है, जबकि इससे ऊपर को खराब माना जाता है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ऑनलाइन खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही इससे जुड़े अध्यादेश को भी रद्द कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि ऑनलाइन खेल जुए को बढ़ावा देते हैं और जुर्माना भी वसूलते हैं, इसलिए ये कानूनन अपराध है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि आजकल लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए कानून लाना उचित है। इस कानून के बनने से लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संघ पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने की सीएम नीतीश से अपील की। उन्होंने कहा कि ये समझना होगा कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समरसता के विषय हैं। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार राज्य को वंशवाद से छुटकारा दिलाएगी। धर्म निरपेक्षता भाजपा के लिए वोट की राजनीति नहीं है, भाजपा समावेशी विकास में विश्वास करती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे लोग मुफ्त मास्क बांटें। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें मास्क लगाना चाहिए। उन्होंने इसे देशभक्ति और मानवता की सेवा का सबसे अच्छा तरीका बताया। कर्नाटक सीएम बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को 3 दिनों के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान बड़ी दवा कंपनियों ने लाखों डॉलर खर्च करके उनके खिलाफ विज्ञापन चलाए। ट्रंप ने खुद को विजेता बताते हुए कहा कि मीडिया ने भी मेरे खिलाफ खबरें चलाईं। अगले साल रेल गलियारे के 40% हिस्से पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। ये कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाया जा रहा है। इस पर कुल 81,459 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बी संजय कुमार ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के खिलाफ झूठा अभियान चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को पूरी आर्थिक मदद दी, इसके बावजूद राज्य सरकार इसका सही से वितरण नहीं कर सकी। सरकार ने आरोग्य सेतु के लिए बैकएंड कोड जारी किया है, जिससे लोगों को ऐप को समझने में मदद मिलेगी। इसको लेकर गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी आशंका दूर होगी, साथ ही संक्रमितों का सही और सटीक पता चल सकेगा। नोएडा के सभी 21 स्थानों में छात्राओं को एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया। ये पहल यूनिसेफ और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से की। इसका आयोजन मिशन शक्ति के तहत किया गया। थानेदार बनी छात्राओं ने चौराहों पर जाकर वाहनों की जाँच कराई और मास्क न पहनने वालों का चालान काटा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री चुनाव के समय में बंगाल आते हैं, लंबे चौड़े वादे करके लौट जाते हैं, वादे कभी पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भाषण पर नहीं काम पर भरोसा करती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी हमारे शीर्ष नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि राहुल गांधी करोड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनेंगे और अध्यक्ष पद संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टिकाऊ विकास की अवधारणा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें नई तकनीकी शिक्षा मुहैया नहीं कराई। ईरानी ने कहा कि प्रौद्योगिकी वो नींव है जिस पर एक नया भारत बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये गुपकार नहीं गुप्तचर संगठन है, जिससे लोग पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी करते हैं। ये गठबंधन देश विरोधी गठबंधन है, इसमें शामिल सभी नेता राष्ट्र विरोधी बयान
देते हैं। उत्तराखंड सरकार 2022 तक सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराएगी। ग्राम विकास विभाग प्रदेश के 84,726 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में अब तक कुल 12,662 लोगों को आवास दिया गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गोवा में गठबंधन कर सकती है। अगर कांग्रेस ने सम्मानजनक सीटें दी तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा गोवा सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। अगली सरकार बनने के लिए कांग्रेस की असीम संभावनाएं हैं। लखनऊ स्थित सभा मुख्यालय में स्वतंत्रता सेनानी जंग बहादुर पटवा की जयंती मनाई गई। अखिलेश ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पटवा ने किशोरावस्था से भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इस मौके पर भारतीय पटवा समाज के अध्यक्ष राम लखन पटवा भी मौजूद रहे। नोएडा पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले 976 लोगों का चालान काटा है, साथ ही इन लोगों से 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों पर की गई है। पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 19 साल पुराने केस में ब्रजेश की जमानत याचिका रद्द कर दी है। बता दें कि ब्रजेश पर बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके काफिले पर हमला करने का आरोप है और वो वाराणसी जेल में बंद है। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को 282 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसे इलेक्टोरल बांड के जरिए दिया गया। बता दें कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बांड की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी की वजह से आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका की प्रणाली में संशोधन किया है। नए नियम के लागू होते ही भारतीय टीम पहले पायदान से खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अब शीर्ष पर काबिज हो गई है। रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर्स में टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन पूर्व कप्तान कपिल देव टीम इंडिया के लिए अलग अलग कप्तान रखने के हक में नहीं है। कपिल देव ने साफ किया है कि टीम इंडिया में दो कप्तान नहीं हो सकते। आईपीएल के 13वें सीजन में पंजाब के खिलाड़ी मैक्सवेल बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने मैक्सवेल की आलोचना करते हुए उन्हें 10 करोड़ का चीयर लीडर कहा है। जवाब में मैक्सवेल ने कहा कि हमेशा बड़ा खिलाड़ी बने रहना आसान नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।